हौसला रख, वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जबरदस्त तरीके से भारत के टाइगर रिजर्व। जी हाँ, भारत के बाघ अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपके दिमाग पे फिट कर देंगे। याद नहीं करना पड़ेगा, वीडियो देखेंगे उसके बाद आप पाएंगे, याद हो जाएगा। दोस्तों आप बता दें, जो भी जैसे कि होते हैं कुछ क्लिक किए वीडियो में, अगर आपको ये सारा कुछ बोर्ड में दिख रहा है ऐसे बिल्कुल से, तो आप यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों वादा है कि आप अगर लास्ट देखते हैं तो यह सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पानी पीने से मतलब है, ना कि गिलास से क्या किसमें है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा घना लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बारी बारी से पढ़ते हुए और याद कराते हुए आपको चले जाएंगे। रियल में दोस्तों 100% आपको याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि 18 राज्यों में फैले हुए हैं। टाइगर स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश को सबको पता होता है, लेकिन अगर टोटल की बात करें टाइगर हमारे भारत में अभी तक कितने हैं, क्योंकि दोस्तों 2018 की जनगणना मतलब गणना होगी, सेंसस होता है दोस्तों, इसमें हमारे भारत में टोटल बाघ टाइगर हैं दोस्तों 2967, ठीक है, जो कि 4 साल में गणना होती है दोस्तों। 2018 में हुई थी, अब होगी 2022 में। तो इसमें देखते हुए दोस्तों 526 टाइगर जो कि इकलौते मध्य प्रदेश में, इसलिए दोस्तों टाइगर स्टेट घोषित किया गया है उसको, और 524 है कर्नाटक में, सेकंड में कर्नाटक आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और अगर बात करें तो थर्ड में आता है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से। देखिए टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आप तीन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन तीसरा जो कि अमनगढ़ दोस्तों आपको बता दें कि वो कार्बेट, जो कि कार्बेट का एक हिस्सा है दोस्तों बाहर का, तो थोड़ा सा टच करता है, तो उसमें अलग से उसका गिनती ये उत्तराखंड में ही होती है, लेकिन कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो दोस्तों अलग से नहीं, कभी भी उसकी काउंटिंग नहीं होती। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, उत्तर प्रदेश वैसे याद हो गया आपको, लेकिन देखिए यहाँ आता है दोस्तों दुधवा, यानी कि दुधवा दूध से लिंक होता है, और दूध में नंबर एक प्रोडक्शन में हो या फिर उत्पादन दोस्तों नंबर एक में है उत्तर प्रदेश, और दूध को क्या किया जाता, पीलीभीत पिया जाता और पीकर टाइगर जैसे बनना चाहिए, टाइगर बाघ जैसे शेर से। ठीक है, यहां से आपको टाइगर शब्द याद आ जाएगा, हाँ उत्तर प्रदेश में दूध तो होता है और दूध को पिया जाता है और पीकर टाइगर बना जाता है। ठीक है, इस तरह याद हो गया दोस्तों। देखिए उत्तराखंड, इसमें 2 आपको मिलेंगे टाइगर रिजर्व, कौन कौन से, कार्बेट और राजाजी। ठीक है, अब देखिए कार्बेट नेशनल पार्क भी है, जिन कार्बेट नेशनल पार्क, और दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं क्या है, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और इसी का दोस्तों इसी में जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, इसी में कार्बेट टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अब देखिए याद रखेंगे ऐसे, ये वाला तो आपको याद रहेगा। देखिए राजा जी याद करना चाहें तो देखिए राजा जी हुआ करते थे पहले, तो सीधा क्या करते थे वो, अगर कोई गलत वलत इधर उधर पकड़े गए तो उतार मुंडी, ठीक है, उत्तराखंड उड़ा देते थे, कौन, राजा जी। इस तरह आपको ये याद आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या, मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ है। देखिए इसको याद रखेंगे ऐसे, कान्हा सबको याद होता है, कान्हा हमेशा गोपियों के मध्य हुआ करते थे, कान्हा जी। इस तरह मध्य प्रदेश याद हो जाए। बांधागौड़ ये भी आपको याद हुआ, जब भी हम कुछ चीज बांधते तो हमेशा मध्य में बांधते हैं, कभी किनारे पर नहीं बांधते, मध्य में बांधते हैं कोई भी चीज बांधते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंच आता है, पेंच आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसको अगर आप इंदिरा प्रियदर्शनी बोलेंगे तो ये भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी है इसका नाम। अब देखिए याद रखें कैसे, इंदिरा गांधी से याद करें तो देखिए इंदिरा गांधी अब हमारे मध्य प्रदेश मध्य में नहीं है, ठीक है, वो चल बसी। ठीक है, इस तरह आपको ये इंदिरा प्रदर्शनी याद हो जाएगा। अब देखिए सतपुरा और पन्ना दोनों याद हो, क्योंकि सतपुरा की पहाड़ियां और पन्ना मार्केट, या फिर दोस्तों पन्ना किस लिए जाना जाता, हीरो के लिए जाना जाता है, ये सारे कुछ मध्य प्रदेश में है, बहुत ही पहले पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये भी याद हुआ। देखिए संजय दुबरी, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यहाँ हमने इंदिरा को याद किया, इंदिरा गांधी, या फिर उसको संजय गांधी से याद कर सकते हैं। ठीक है, संजय गांधी भी हमारे बीच में नहीं है जी, मध्य में नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी उसी तरह संजय गांधी, दोनों कभी भी आएंगे तो आप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश के आपको याद हो गए। अब देखिए राजस्थान आता है, टाइगर रिजर्व इसमें है दोस्तों 3 महत्वपूर्ण है, देखिए दोस्तों रणथंभौर,
सरिस्का और मुकुंदरा। अब इनको याद रखें कैसे, देखिए यहाँ आता है क्या, रणथंभौर, सबको याद होता है, यानी कि रण। रण में अधिकतर कौन होते हैं, भूमि होती है, युद्ध करने के लिए युद्ध कौन करते हैं, राजस्थान राजा करते हैं क्या, रण, रणथंभौर, रण में, ठीक है। अब देखिए सरिस्का आता है, जब भी क्या राजा कभी किसी को दंडित करना हुआ करता था तो क्या करते थे, रस्सी से बंधवा दिया करते थे, रस्सी, रस्सी, सरिस्का, रस्सा, रस्सा से बंधवा दिया करते थे, और मुकुंदरा, और स्वयं मुकद्दर लिखते थे क्या, पहले जमाने में राजा ही सब कुछ हुआ करते थे और उनका मुकद्दर लिखते थे क्या, मुकुंदरा, मुकद्दर तय करते थे, लिखते थे, ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये याद हुआ, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नाम दफा पक्के और कमलांग, तीन यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, टाइगर रिजर्व, अब याद रखेंगे, ऐसे बोलते ना अरुणा, अरुण या अरुणा नाम की क्या लड़का या लड़की समझिए, ठीक है, अरुणा और अरुणा नाम, नाम दफा नाम की लड़की या लड़का था, वो क्या पक्का पक्का मित्र था किसका, कमलांग, कमला का, ठीक है, कमला का पक्का मित्र था, कौन, किस नाम का, अरुणा या अरुण नाम की लड़की या लड़का, ठीक है, याद हुआ दोस्तों, उसकी आप समझ सकते कुछ भी हो सकता है, अरुणा नाम की वो थी, वो नाम की पक्का पक्का, उस कौन किसकी पक्का मित्र थी भाई, कमलांग, कमला की पक्का मित्र थी कौन, अरुणा, नाम दापा नाम की, ठीक है, पक्का 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 से पक्के याद आ जाएगा, और क्या कमलांग कमला की, ठीक है, सिंपल तरीके से आपको याद हो। देखिए दोस्तों अगला क्या, पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर दो, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा, या फिर बक्सा बोल देते हैं इसको, देखिए इसको याद रखें कैसे, सबको याद होता है मैंग्रोव अर्थात सुंदरवन का डेल्टा वगैरह पश्चिम बंगाल में बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ सुंदरवन और बक्सा याद कैसे करेंगे, बोलते ना कि अगर दोनों को एक साथ याद करें, देखिए बक्सा आता है, बक्सा सुंदर सुंदर बक्सा कहाँ मिलेंगे, हमारे घर में तो यार टूटा फूटा है, लेकिन सुंदर सुंदर बक्सा बंगला, ठीक है, पश्चिम बंगाल बंगला में मिलेंगे, ओके। अब देखिए असम, असम में दोस्तों क्या है, ये चार टाइगर हैं रिजर्व, देखिए काजीरंगा नामेरी ओरांग और मानस, ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए याद होते हैं काजीरंगा और मानस, क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, बोलते नहीं कि औसम, बोलते ओरांग, जिसका राग बनता है ना ओरांग, जिसका राग अच्छा बनता है वो जो सुनने वाले होते वो औसम बोलते, औसम 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 असम औसम मतलब बढ़िया वाला औसम बोलते हैं, औसम औसम क्या राग, ओरांग राग जब बनता है, और उसका नमेरी, उसका नाम बहुत ही दूर तक फैलता है भाई साहब, उसका नाम हो जाए, जिसका राग बनता है ना उसका नाम हो जाता है अवेशम, औसम बोलते हैं औसम, असम से आपको असम याद आ जाएगा, और काजीरंगा तो काजीरंगा में है ही है दोस्तों, और मानस तो मानस ही है, ठीक है, मानस, ठीक है, और गला किसका अच्छा होगा या राग अच्छा होगा, मानुष मानस का होगा, उसका नाम बहुत ही दूर तक विख्यात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे टाइगर रिजर्व, याद रखें कैसे, देखिए कि दोस्तों सेकंड में आता है मध्य प्रदेश के बाद, 524 यहाँ पर टाइगर है 2018 के अनुसार। अब देखिए याद रखें कैसे, कर्नाटक नाटक से सीधे सीधा लिंक होता है, देखिए नागर बोलते कर्नाटक नाटक भाई, नागर ना कर हो, ठीक है, देखिए आता सेंस बिल्कुल से, कर्नाटक नाटक भाई ना कर, जैसे कहीं जाते होते हैं ना बोलते ना भाई साहब नाटक ना करो, इस रोड में हम कहीं जब भी स्कूल में जाया करते थे कभी कुछ ऐसे तो बिल्कुल से झुंड बनाकर चलते थे, ऐसे भी तो बोलते थे कोई कोई भाई साहब नाटक ना कर, ना कर नागर होल ना कर, ठीक है, कभी होल होल में गिर जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो भद्र दे, नहीं बोलते ना कि ना नाटक ना कर, नहीं तो क्या होगा, भद्र से गिर जाएगा, भद्र से भद्रा भद्र से गिर जाएगा, ठीक है, ये यहां तक हुआ कंप्लीट। और देखिए भद्र में अगर नाटक करोगे तो बोलते कि भद्र से गिर जाओगे और डांडेरी और डांट पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपकी सब ये क्या काली काली नहीं काला धब्बा कपड़े में पड़ जाएगा, तो डांट पड़ेगी, ठीक है, बाद में बांधी बाद में डांट पड़ेगी, किससे, मम्मी जी से, ओके। तो दोस्तों एक बार फिर देखिए नाटक ना कर, नागर हो ना कर, क्यों, नहीं तो भद्र भद्र से गिर जाएगा, यानी कि भद्र से भद्रा और गिर से बिल्ली गिरी, और रंग में भंग तो हो ही जाएगा रंगनाथन, और डांटेली डांट तो पड़ेगा, डटेली डांट तो पड़ेगा, क्योंकि काली शर्ट हो जाएगी, काली इसको बोलते हैं काली शर्ट हो जाएगी, और बाद में डांट तो पड़ेगी भाई डांट, ओके। अब देखिए अगला क्या, मिजोरम दंपा टाइगर यहाँ पर एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं, मिजोरम भाई तब बोलते ना मजा आ गया,
मजा आ गया। बोलते ना कोई अगर उस तरह का दम लगा दे कि बान गए यार भाई इसके कितना दम है, ठीक है, दम पर बहुत ही दम है यार, मजा आ गए, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि बोलते ना जोर लगा कर मिजोरम, जोर लगा के बोलते ना कोई काम को करना होता है या नारा बोलना होता, नारा लगाना होता, जोर लगा के तो बोलते तेजिन भाई हाँ इसमें दम, दम है, जोर लगाकर बोलता है दम है भाई, दम पा दम है। देखिए बिहार है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में इकलौता, दोस्तों याद रखें कैसे बिहार यानी कि बिहार। देखिए अगर दो आपसे कोई व्यक्ति को लड़ते हुए हार आपसी मतलब दो लोगों के बीच में होती है क्या हार, अगर लड़ा दिए तो भाई आप अगर जिसके बाल लंबे हैं किसी के छोटे हैं तो कौन हारेगा, तो आप बोलेंगे जिसके बाल लंबे होंगे भाई, वाल्मीकि बाल जिसके लंबे होंगे वो हार जाएगा। यहां से आपको याद हुआ दोस्तों बिहार हार जाएगा, कौन जिसके बाल बाल होंगे भाई साहब, क्योंकि पकड़कर पता नहीं क्या क्या कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से वाल्मीकि आपको बाल शब्द जैसे आ जाएगा तो हाँ हार गया बाल वाला, ठीक है वाल्मीकि, ओके। देखिए अगला क्या ओडिशा, यहाँ सतकोसिया और सिंपली पाल दो टाइगर रिजर्व है, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ आता सतकोसिया और सिंपली पाल। सतकोसिया यानी 60 कोस का शीर्ष दे रहा है, बोलते ना कि 60 कोस अगर पैदल चलना पड़े भाई साहब पता नहीं चलेगा, अगर साथ में होता है कोई क्या उड़ बिल्कुल से उड़ जाता है, बिल्कुल से 60 कोट जिसे मानो कि तुरंत उड़ गया उड़ीसा उड़ गया। सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से हम 60 कोस भी तय कर देंगे, ठीक है सिंपल तरीके से, अगर कोई उड़ीसा कोई साथ में हुआ, ठीक है 7 कोस के साथ में हुआ तो यूं ही उड़ जाएंगे, बोलते ना यूं ही उड़ जाएंगे, कितने दूर है यूं ही उड़ जाएंगे, 60 कोस भी यूं ही उड़ जाएंगे यदि कोई हमारे साथ में हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से उड़ जाएंगे भाई उड़ीसा उड़ जाएंगे, क्या 7 कोस भी हम उड़ा देंगे तुरंत, ठीक है। महाराष्ट्र आता दोस्तों, देखिए टाइगर रिजर्व इसमें क्या क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, मेलघाट है, बोर है, टडोबा, अंधेरी, नामेगांव, नगजीरा, पेंच और सहयाद्री, ठीक है। अब देखिए इनको याद रखेंगे ऐसे आप समझिए, इधर महाराष्ट्र आता दोस्तों, महाराष्ट्र की और मेलघाट बोर, बोलते ना कि मेलघाट मेल हमेशा क्या महान व्यक्ति से मतलब जो उस तरह के महान होते हैं रिच मैन होते हैं उनसे मेल नहीं खाता, और मेल नहीं खाता तो लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है बोर, ओके इस तरह आपको याद आ जाएगा। वैसे भी महाराष्ट्र अगर आप मुंबई वगैरह सिटी पर जाए तो बोर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि फिल्म सिटी है, एंटरटेनमेंट के साधन बहुत है। मेल घाट अगर कोई मतलब मेल नहीं खाता तो उससे बोर हो जाता है, मेल नहीं खाता तो बोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए टडोडा आता है और अंधेरी, अंधेरी अंधेरी जो कि है दोस्तों मुंबई में आप जानते हैं फिल्म के लिए प्रसिद्ध है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और महाराष्ट्र में क्या अंधेरी, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। देखिए नावे गांव नगजीरा, ये नगजीरा को याद रखें जैसे यानी नागपुर से, नागपुर कहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है नागपुर महाराष्ट्र में, इधर से आपको याद होगा नगीरा। आप देखिए पेंच आता है, पेंच दोस्तों ये आपको याद रहेगा नहीं कि पेंच बोलते हैं कि महान अगर बनना है तो पेंच से पेंच लगाते चलो, यानी कि दोस्तों डोरी बनाते चलो पेंच से पेंच लगाते जाते। देखिए सहयाद्री पहाड़ी वगैरह से महाराष्ट्र में सहयाद्री बोलते हैं वहां का एरिया का समान है, ऐसे आपको सहयाद्री भी याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला तमिलनाडु आता है टाइगर रिजर्व, यहाँ पर कौन कौन से देखिए दोस्तों, अनामलाई, मुदुम मलाई, कलाकड, मुंदन थरई और दोस्तों सत्यमंगलम, और एक नया जो कि 51वां नया बना दोस्तों श्री विली पुथुर मेघा मलाई। अब दोस्तों यहां से आपको याद कैसे करना है, देखिए आप एक शब्द यहाँ पाएंगे मलाई मलाई मलाई, भाई साहब मलाई मलाई जहां मिल गई तो मजा आ गया भाई साहब, तमिलनाडु मलाई मलाई यानी मलाई बोलते ना मलाई मिल जाए तो मजा आ जाती, मिल तमिलनाडु तो मलाई से जैसे याद आ जाएगा तमिलनाडु आपको कनेक्ट होना चाहिए। देखिए और सत्यमंगलम होता है ना सत्यमंगलम, ये बात सत्य है कि मलाई मिलेगी तो हमें मजा आ जाएगी, ठीक है मिल तमिलनाडु से मिलना मलाई से मलाई, और सत्यमंगलम वगैरह अधिकतर कहाँ होते हैं ये होते हैं दोस्तों तमिलनाडु में बोले सिटी है, ठीक है। और ये आपको मेधा मलाई इसमें भी मलाई आता है, याद हुए हैं भी दोस्तों सारे कुछ आपको याद हो गए। देखिए तेलंगाना है कावल और अमराबाद दो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, तेलंगाना में देखिए तेलंगाना यानी गाना शब्द आता है और कावाल यानी कव्वाली भी एक जो की यह है दोस्तों आप जा सकते हैं, गाना और कव्वाली बैठकर ही गाई जाती है, ठीक है दोनों एंटरटेनमेंट के साधन है कव्वाली और गाना, ओके गाना कव्वाली। अब देखिए अमराबाद को याद रखें कैसे, बोलते ना तेल, तेल क्यों लगाया जाता है बच्चे के छोटे में, ताकि उसकी हड्डियां अमर हो जाएं, जब तक उसकी लाइफ है वो भाई साहब अमराबाद अमर हो जाएं, यदि तेल कड़ुआ वाला बोलते ना सरसों का तेल उसको लगाएंगे भाई, तेल लगाएंगे कोई भी हो वो भाई साहब उसकी हड्डियां अमर हो जाएंगी, अमराबाद अमर हो जाएंगी, ठीक है उसकी माता जो हमारी माता लगाती है। देखिए आंध्र प्रदेश है नागार्जुन
सागर श्री सैलम सबको याद हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्या, केरल आते पेरियार और पेरिम्बिकुलम, दो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। पेरियार नदी है केरल में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पेरिम्बुल के इसको याद रखें कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों केरल आता केला, केला या करेला कुछ भी आप समझिए, उसको खरीदने के लिए लेने के लिए कुछ मत कुछ पे करना पड़ता, क्या पैसा पे करना पड़ता पेरियार पे, और पेर यहाँ से आपको दोनों कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, छत्तीसगढ़ यहाँ इंद्रावती और उदंती सीता नदी और अचन कमार, यहाँ पर तीन टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। देखिए याद रखें कैसे, छत्तीस को आप छत में समझिए, मतलब छत में समझिए कभी गए, मतलब अचानक आप अचानक मतलब छत बन गए और अचानक वहां क्या, अचानक इंद्रावती इंद्र भगवान आ गए, ओ माय गॉड, आप अचानक गए छत में या फिर छत में गए तो अचानक इंद्रावती इंद्र जी निकल कर आ गए, तो आपने क्या किया भाई साहब, नदी से मतलब जो सीता नगरी अर्थात सीता जी मतलब समझ सकते हैं सीता नदी, क्योंकि दोस्तों गंगा है वैसे भी सीता समझ सकते हैं, सीता नदी का माने जल लेकर उनको मैं चरण धोया, इस तरह आप स्टोरी क्रिएट कर लेंगे तो दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाएंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी छत में गए तो अचानक से इंद्र मतलब अचानक से इंद्र भगवान आ गए, इंद्र इंद्र इंद्र, यहाँ से आपको इंद्रवती याद आ जाएगा, और उनके हम चरण धोए किससे, कौन से पानी से, सीता वाली नदी से, ओके सिंपल है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या, झारखंड पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पर एक है। अब देखिए याद कर सकते हैं, बोलते नहीं पलामू कोई भी पालतू, बोलते ना कोई कोई पालतू अगर जानवर पालना होता है या फिर पालतू होता है उसको पकड़ने गए तो झाड़ में छुप जाता है, झारखंड झाड़ में छुप जाता है, कोई पालतू पशु होता है छोटा सा बच्चा होता है जैसे टाइगर का ही समझ लीजिए, अगर उसको पालतू बनाना हो पकड़ने गए तो झाड़ में छुप जाता है। आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको याद हो गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसकी सीसा ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कितनी गजब तरीके से आपको सारे जो कि टाइगर रिजर्व है माइंड में फिट हो गए होंगे, आप कोई भी टाइगर रिजर्व बोलकर देखिए सच में याद हो गए होंगे, रियल में अगर आप टेस्ट करते हैं तो और भली बात याद हो जाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो टेस्ट बहुत ही जल्दी लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम आ जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट करिएगा और जहां से आप टेस्ट मिले आपको मिले तो वहां से आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, तो दोस्तों पसंद आए तो जरूर सपोर्ट करिएगा, मिलते हैं इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद जय भारत।